जब से कान का ऑपरेशन करा कमजोरी हो रही है, आप तुम्हारी खंडली की सब्जी खा के मुझे ताकत भी आ रही है। कलयुग विभाग को सबके लिए नहीं है। उसको बोलते हैं ये कौन है, ये क्या है, ये बुढ़िया, हम गुपचुप गुपचुप बोलने वाले नहीं है, हम फरम बोलने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब कुछ एंड फाइन होंगे। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9, ठीक है। आज भी काम निपट तो गया था, बट आज मैंने थोड़ा गाड़ी वाड़ी धोई तो उसमें मेरा टाइम निकल गया, ठीक है। तो अभी नहाई नहीं हूँ, नहाती हूँ थोड़ी देर में, पानी लगा रखा है मैंने नहाने के लिए। एंड डार थी नाश्ता, तो आज सुबह सुबह दादी का कंडाली घर पहुँच गई है। मैंने रात बोल रही थी दादी, मैंने कहा रात तो हम लोग खा लेंगे और लेट तक बनेगा, तो मैंने कहा हम तब तक तो खा लेंगे। तो फिर मैं सुबह सुबह फ़ोन करा, सुबह सुबह मैं लेकर आई, फिर गर्म किया है, अभी मम्मी को दे रखा है मैंने। यहाँ पे बिच्छू घास का है ये सब्जी, बिच्छू घास की सब्जी है और ये बढ़िया सब्जी बना रखी है दादी ने। अभी मम्मी टेस्ट नहीं चल रहा है कि ये बिच्छू घास की सब्जी है, अभी मम्मी टेस्ट करके बताएगी। टेस्ट कर मम्मी, मस्त हो रही है दादी, लग रहा है चल रहा है ये बिच्छू घास है, लग रहा है बिच्छू घास है, बहुत अच्छी बना रखी है, पता ही नहीं चल रहा है बिच्छू घास है। दादी बेचारी ने इतना मेहनत करके गढ़वाल से मेरे लिए ये बिच्छू घास बनाया, बिच्छू घास का, बिच्छू घास हमारे यहाँ छिन्नू कहते हैं, फिर यहाँ बिच्छू घास भी कहते हैं, यहाँ का डाली बोलते हैं, यहाँ बिच्छू घास नहीं बोलते। बहुत मस्त बना रखा दादी ने, दादी के हाथ का तो वैसे भी कितना मस्त हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा है कि ये बिच्छू घास है। ये देखो देखने में भी इतनी सुंदर लग रही है, खाने में तो क्या टेस्ट आ रहा है इसका। दादी के हाथ में तो गाइस मैं भी खा रही हूँ, मम्मी भी खा रही है, मम्मी ने दूसरी कटोरी ले ली ना, मम्मी एक कटोरी खत्म हो गई, एक कटोरी खा ली है, दूसरी कटोरी ले ली, इतना स्वाद है। मम्मी पहले डर रही थी, पहले डर रही थी, वैसे नहीं डर रही थी कान की वजह से। अब तो यार मैं भी जाऊंगी अपने ससुराल में, तो मैं अपनी सास से कहूंगी अम्मा से कि बिच्छू घास की सब्जी बना। तो गाइस शादी है कल, जाना है कल, और आईब्रो वगैरह अभी बना के लेकर आ रही हूँ, और थोड़ा बहुत सामान भी लेकर आई, ठीक है। तो मैंने कहा सुबह सुबह बना लाती हूँ। अभी देखो मैंने साड़ी में फॉल लगानी थी, वो भी नहीं लगा रखी है, और अभी समझ में नहीं आ रहा कि साड़ी पहनूँ या ना पहनूँ, असमंजस में हूँ। अगर तैयार होगी तो पहन लूँगी, नहीं तैयार होगी तो फिर कुछ और पहनूँगी, लहंगा पहनूँगी फिर। तो दोस्तों कल जाना है शादी में, ठीक है, और अभी मैंने लगा लो कोई सामान पैक नहीं कर रखा है, साड़ी बना रही थी उस साड़ी में फॉल नहीं लगा रखा है, पता नहीं क्या हो गया इस बार मेरी, ऐसा ऐसा हो गया, मैं इतनी बिजी हो गई कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और अभी जो गिफ्ट लाई हूँ ये रखा है मैंने गिफ्ट, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है मैं अभी नहीं बता सकती, मैं बताऊँगी ना तो मम्मी बोल रही है कि उसको भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये भी पैक नहीं कर रखा है, पेपर लेकर आ रखी हूँ मैं, पैकिंग पेपर, इस बार इस टाइप के पेपर लेकर आ रखी हूँ मैं, ठीक है। तो ये साइज़ में तो छोटे हैं पेपर, देख सकते हैं साइज़ में छोटे पेपर हैं, बट अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा इससे ही पैक करते हैं इस बार, ठीक है। तो अभी इसे पैक करना है, इसको गिफ्ट को पैक करना है, तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के गिफ्ट को पैक करती हूँ, और उसके बाद पैकिंग करती हूँ, फिर अपनी साड़ी सही करती हूँ। साड़ी में पीको तो नहीं लगा रही अब मैं, मेरा फॉल, सॉरी फॉल तो मैं नहीं लगा रही, फॉल तो मैं आने के बाद आराम से लगाऊंगी, मैं नहीं लगा रही हूँ, मन ही नहीं कर रहा मेरा फॉल लगाने का, ठीक है। दादी आई है, और दादी ने हमें क्या टेस्टी कंडाली की सब्जी खिलाई, मैं क्या बताऊँ, इतनी टेस्टी। वैसे ना बुड्ढों के हाथ का ना, दादी नहीं आपने तो खैर मन से बनाया था, मन से तो कुछ भी बनाओ, घास भी बनाओ ना, बिच्छू घास भी इतना टेस्टी हुआ, घास भी बनाओगे ना वैसे घास भी अच्छा हो जाएगा, है ना। दादी ने खूब मन से बनाया था, इतना टेस्टी सब्जी हुई, चाट चाट के खाया हमने, सब्जी खिलाने की दादी आप, मैंने मैंने कंडाली ऐसी बनाई, मैंने कहा चलो यार चख नहीं रखा है तो मैं, हमने कभी नहीं, मम्मी ने नहीं चख रखा है, उनको चखा देंगे, मेरे को भी अच्छी लगती है कंडाली। और तब तक हमारे मेहमान भी आ गए, उन्होंने भी खाई सुबह कंडाली, वो भी तारीफ कर रहे थे, सच में तो बहुत अच्छी हो रही थी। जब से कान का ऑपरेशन करा कमजोरी हो रही है, आप तुम्हारी कंडाली की सब्जी खा के मुझे ताकत भी आ रही है। कंडाली के बस ऐसे ही बनाएंगे कंडाली, अब कभी आएगा किसी भी आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे, और ऐसे ही खाना चाहिए, पता है उसमें कितनी सारी चीज, बहुत विटामिन रहती है, विटामिन बहुत होती है। हम वो तो हमारा पहाड़ी लोग ऐसे है ना कि कोई नखरा करते हैं, नखरा करते हैं, और नखरा नखरा जो ये यहाँ का खाना है ना, यहाँ का खाना तो बहुत बेकार है, दवाइयों से बनता है, और जो ये कंडली है ना ये निरोग है, ये निरोग करती है, आदमी को तंदुरुस्त रखती है। और कंडली खाने में ऐसा होता है कि स्वाद भी आती है, जो बना जाने स्वाद भी आती है,
और ताकत भी आती है और बहुत पौष्टिक है। अब तो लोग इसकी चाय पत्ती बना रहे हैं, ग्रीन टी बना रहे हैं, दवाइयाँ बन रही हैं, अच्छी चीज बन। अब इसको बिच्छू घास थोड़ी बोल रहे हैं, अब इसको बोल रहे हैं बिच्छू बूटी। हाँ बिच्छू बूटी, हाँ तो हम ये सही बोलते हैं ना कंडली। इस कंडली का तो बहुत बड़ा मान है, बहुत बड़ा मान है कंडली का। ये लोग तो जानते नहीं है ना, ये जो आजकल के बच्चे क्या है, आजकल के बच्चे तो बाहर के ये चौमिन चौमिन मोमोस और ये डोसा और बर्गर और पिज्जा ये मानते हैं। और हम मानते हैं बाबू ऐसा ही खाना। अब उसको तो बोलेंगे क्या बना रखा है, क्यों क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं। हमारे बच्चे मंडवा की रोटी नहीं चखते हैं कभी भी। हाँ, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगते हैं, मंडवा की रोटी भी अच्छी लगती है ढबड़े। और जैसे इसकी भुज्जी बनाओ, किसकी, कंडाली की, कंडाली की, उसको उबाल के और छोंक दो, और निचोड़ के हाँ। और उसको लहसुन उसन लगा के वो करके छोंक हाँ। दो और छोंक में, और मंडवा की रोटी बनाओ हाँ। और घी रखो, इतना हाँ। इतना सुंदर टेस्ट होता है। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, पर जो चाय पीता है एक गिलास चाय और बस इतना स्वाद। सब पिज्जा उजा इसके सामने फेल, पिज्जा भी फेल हो जाएगा, पिज्जा भी फेल हो जाएगा कंडली के सामने। कंडली जरूर खाना चाहिए। ठंडियों का टाइम आ गया, जो मेरे बहन भाई बहू गांव वाले और जो रिश्तेदार जो पहाड़ के साइड वाले जो हमारे उत्तराखंड वाले हैं सब सुन रहे होंगे, इसको भूलना मत, इसको जरूर खाना और जरूर सवाल लेना। ये जहाँ भी हाँ हाँ इसको सवाल लेना। ऐसा मत करना कि हम दिल्ली चले गए, हम कोटद्वार चले गए, हम रामनगर चले गए, हम वहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए। अपना जो अपना उत्तराखंड का जो स्वाद है वो स्वाद हमारा कहीं नहीं जाता है, वो बहुत अच्छा रहता है। देवभूमि का जड़ी बूटी है, वो देवभूमि की हमारी जड़ी बूटी है। यहाँ तो देखो कितना वो होता है, क्या वो होता है, हमारा जो गौमूत्र हो गौमूत्र देखो कितना अच्छा लगता है गौमूत्र, और कितना गौमूत्र का आजकल गौमूत्र का वो भी हो रहा है, और गोबर का धूप भी बन रही है, गोबर की धूप भी बन रही है, पतंजलि में नहीं बन रहा गौमूत्र, सब चीज हो रहा है, सब वो हो रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड में तो बाकी क्या रह गया, सब तो इधर उधर चले गए। अब देखो उनका राज हो रखा है, जो ये जानवर है हाँ। जानवरों का राज हो रखा है, अब वो जानवर पीछा नहीं छोड़ रहे। अब देखो जही सुनो उत्तराखंड में कि वहाँ पे मैंने बाघ देखा है, फलाने जगह में मैंने रीछ देखा है, वहाँ पे हमने वो देखा है, वहाँ पे बंदर आ रखे हैं, वहाँ पे वो शोला आ रखे हैं, हमारे आलू खा रहे, सूअर आलू खा रहे, हमारे चीज वो खा रहे। अरे जब कोई मनुष्य है ही नहीं हमारे उत्तराखंड में, तब उन्होंने ही तो रहना है, उन्होंने ही तो खाना है, वो ही तो रहेंगे। जो बेचारे गांव में है वो कर रहे होंगे अपने मेहनत से, तो उसको भी नहीं छोड़ रहे वो, उनको भी नहीं छोड़े। कभी दूर दूर होती थी खेती तो दूर का वो खाते थे, सामने नहीं आते, अब तो अंदर ही बैठ रहे, अंदर ही सही रोटी ले जा रहे, और जो कुछ हो है बंदरों के हाथ में जो कुछ आ रहा है वो ले जा रहा है, वो खा रहा है। क्या करे बेटी, आप तो समय ऐसा ही आ गया, बहुत नाजुक समय आ गया, बहुत नाजुक समय कलयुग है, ये कलयुग का प्रभाव पड़ रखा है। पर कलयुग भी बाबू सबके लिए नहीं है, कहीं धर्म भी है, धर्म का सतयुग भी है। सतयुग जहाँ पे धर्म है वहाँ सतयुग है, और जहाँ पे धर्म नहीं है सतयुग नहीं है वहाँ पे कलयुग है। ये बात है, ये इस वास्ते हमारे उसमें कौन सोचता है, हम बूढ़े आदमी हैं, बूढ़ों आदमी के अच्छे भावना देंगे, अच्छी बात करेंगे, उनको बुरा लगता है जवानों को, लड़कियों को और जवानों को बुरा लगता है। जो जो अच्छी अकल देंगे, अच्छी समझ देंगे, वो तो उसको नहीं मानेंगे, और जो गंदी वो देंगे, चुगलखोर करेंगे, चुगल करेंगे, उसको अच्छा मानते हैं। जो ऐसा चुगल करेंगे, उसकी चुगली उसमें, उसकी चुगली उसमें, उसको अच्छा मानते हैं। और जो अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छा दिमाग देंगे, उसको बोलते हैं ये कौन है, ये क्या है, ये बुढ़िया, ये कौन ऐसी वो है। तो हम ऐसे विचार के हैं बेटी, हम तो ऐसा है कि मुंह के फकड़ है, और मुंह से हम अच्छी तरह से बोलते हैं,
और जिसको बोलेंगे समझाने की बात बोलेंगे, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। और जो पीछे बुरा बोलेगा वो अपने वास्ते बोलेगा, अपने लिए बोलेगा, जो भला बुरा बोलेगा। हम गुपचुप गुपचुप बोलने वाले नहीं है, हम फड़म बोलने वाले हैं। और जो फड़म बोलेगा अच्छा ही बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। गुपचुप गुपचुप नहीं बोलते हम, हम फड़म बोलने वाले हैं और चुगली करने वाले नहीं है। तो गाइस मैं दादी से बोल रही थी अभी की दादी आप और मैं ना वार्ड मेंबरी के लिए खड़े हो जाते हैं, हम जीतेंगे, हम कुछ काम नहीं भी करेंगे, हम मनोरंजन कर देंगे लोगों का, ठीक है। और क्या कहते हैं, जीत भी जाएंगे, क्या पता हम लोग खड़े जब हो गए तो। क्या कहते हो, खड़े हो जाए वार्ड मेंबरी के लिए, अभी चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे, वार्ड मेंबरी के लिए हमें यार हमें खड़ा करवा दो। सच में कह रही हूँ, हम तो जीत जाएंगे और जीतेंगे, फिर काम नहीं करें, काम करें ना करें मनोरंजन तो कर ही देंगे। और क्या मनोरंजन कर देंगे, है ना दादी, मनोरंजन के लिए भी होना चाहिए। और क्या मनोरंजन, अरे ऐसा वार्ड मेंबर जीतते हैं मुंह दिखाने भी नहीं आते हैं। देखो जो चोरी करता है उसमें शर्म होती है, जो बदमाशी करता है उसमें शर्म होती है, अपने फिंगरेन में शर्म नहीं है, अपना खून बढ़ाने में, अपना ताकत देने में। हम अपना भी खून बढ़ाते हैं, जो लोग हमको देखते हैं वो हमको देख के हंसते हैं, वो उनका भी खून बढ़ाते हैं, खून बढ़ाएंगे और अपना भी खून बढ़ाएंगे। और सब हमारे लिए लाइक करना हमारे लिए, जितने हमारा ब्लॉग देखोगे उतना हमारा लाइक करना, ठीक है। धन्यवाद, जय उत्तराखंड, जय भारत। सो फ्रेंड्स, रात के 10 बज चुके हैं और आज दिन भर मैं मेहंदी लगाने में थी। अभी देखिए यहाँ पे आगे लगाई थी दिन में और अभी यहाँ लगाई है, क्योंकि कल हम जा रहे हैं मेरी फ्रेंड की शादी में, ठीक है। तो मैंने सोचा मेहंदी यहीं से लगा के चले जाती हूँ, फिर वहाँ ठंड में मेहंदी लगाने से अच्छा डांस वांस करूँगी, खूब इंजॉय करूँगी, ठीक है। बट अभी एक हाथ में तो लगा लिए, इस दूसरे हाथ में भी आगे लगी है, पीछे रह गई है। अब वो पीछे जो है अब वो वहीं लगेगी, थोड़े शगुन के नाम की वहाँ पे लगा लूँगी, ठीक है। सो फिलहाल देख सकते हैं कैसी लगी है, आगे का कलर अभी नहीं आ रखा है, रात तक क्या पता डार्क हो जाए। एंड पीछे भी बस अभी लगाई है मैंने, तो तन्वी सो चुकी है, सब लोग सो चुके हैं, मैं रह गई हूँ, अमित तो बिग बॉस देख रहे हैं, वो भी सो जाएंगे। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद तो लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।